हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप VN, कैपकट, इनशॉट, काइनमास्टर इन सब को यूज करना टोटली बंद कर देंगे, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे चार बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें आप PC लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और विदाउट वाटर मार्क भी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा ब्लर ऐप, जो कि आपको इजीली गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाता है, तो आप वहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको प्लेग्राउंड, सेकंड में आपको क्रिएशन एंड थर्ड में आपको यहाँ माइंड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो ये जो प्लेग्राउंड है, यहाँ पे आपको काफी सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाता है, जिनकी मदद से आप एक क्लिक में जैसा टेम्पलेट में एडिटिंग हो उस टाइप का आप एडिटिंग कर सकते हो। ओके, जैसे कि हम कैपकट एप्लीकेशन वगैरह करते हैं। सेकंड, आपको यहाँ पे क्रिएशन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे मैन्युअली अपना वीडियो को एडिट कर सकते हो। एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट क्रिएटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, देन यहाँ पे आपको अपना वीडियो का जो रेशियो है उसे सेलेक्ट करके जस्ट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे वीडियो एडिट करने के लिए आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा, देन आपके डिवाइस में जितना भी वीडियोज वगैरह होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जिसे आप एडिट करना चाहते हो उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूं एंड उसके बाद इंपोर्ट एसेट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका जो वीडियो होगा वो यहां पे ऐड हो जाएगा, लाइक आप यहां देख सकते हो। अब इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो। एडिटिंग करने के लिए आपको यहां पे सारा टूल्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहां पे म्यूजिक ऐड करना है, म्यूजिक ऑप्शन मिल जाता है। टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। कुछ इफेक्ट आप ऐड करना चाहते हो तो आपको यहां पे ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, FX वाला। इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको काफी सारे यहां पे इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि अभी के टाइम पे HDR इफेक्ट काफी ट्रेंड में, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये जो लेंस ब्लर इफेक्ट है ये काफी ट्रेंड पे है, ग्लो इफेक्ट और स्कैन और ये पार्टिकल वगैरह, ये सब सारे इफेक्ट जो अभी काफी ज्यादा ट्रेंड पे है वो सब भी आपको यहाँ मिल जाते हैं देखने को। साथ ही में आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे और भी काफी सारे कैटेगरी मिलेंगे, जैसे कि आपको कलर करेक्शन के लिए जितने भी टूल्स चाहिए वो सारे यहाँ मिल जाएंगे। फिर आपको कुछ इस तरीके का, फिर यहाँ ग्लो का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, जितने टाइप का ग्लो होते हैं वो सारे आप यहाँ से कर सकते हो। एनिमेशन अगर आपको यहाँ बनाना है तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो जैसा भी आप चाहो, ठीक है। लाइक यहाँ पे ऑसिलेट वाला है, जिटर वाला है, शेक है, सारा है यहाँ पे। देन टेक्स्ट के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट का भी डिजाइन या फिर एनिमेशन मिल जाता है, ठीक है। तो काफी सारे यहाँ पे इफेक्ट्स हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे इफेक्ट के बगल में ही फिल्टर का भी ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको काफी सारे फिल्टर मिलेंगे जिनकी मदद से आप एक क्लिक में आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। आप देख पा रहे हो सिनेमेटिक में भी काफी सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं, इनकी मदद से आप सिर्फ एक क्लिक करोगे कलर ग्रेडिंग हो जाएगा, आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप आ सकते हो, कोई भी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, देन यहाँ बैक करोगे तो ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। फिर इसे पूरा वीडियो में अप्लाई करने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना, पूरा स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर लास्ट में जाके इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा लास्ट तक ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, साथ ही में इफेक्ट ऐड कर सकते हो। म्यूजिक एंड टेक्स्ट ऐड करने का तरीका आपको पता ही होता है, वो सिंपल है, तो वो आप खुद से कर लेना। अब स्लो मोशन वगैरह अगर आपको करना है तो अपने वीडियो के ऊपर आप यहाँ क्लिक करना, आपको यहाँ पे एक टाइम का ऑप्शन मिलेगा, इसकी मदद से आप यहाँ पे स्लो मोशन भी कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे कटआउट का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आपको पता है कि बैकग्राउंड वगैरह चेंज होता है, ब्लर होता है, क्रोमा की वगैरह, ये सब इससे हम यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही में आपको और भी यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ये सब सेपरेट वगैरह का, तो इन्हें भी आप यहां यूज कर सकते हो। अब यहां पे एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज जो मिलेगा वो है एक नल जो टूल है। ये टूल आपको PC के जो महंगे वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ना, बिल्कुल Adobe Premiere ये सब, तो उनमें मिलते हैं, ठीक है, वो भी आपको ऑप्शन यहां मिल जाता है। साथ ही में आपको ये कैमरा वाला भी मिल जाता है और आपको यहां पे एक ओवरले का भी ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको काफी सारे ओवरले देखने को मिल जाते हैं। लाइक आप यहां रेट्रो पैक्स में देख सकते हो, फिर इसके ऊपर जाओगे तो इसमें भी काफी सारे हैं, ठीक है, इन्हें भी आप अपने वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल आपको यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए जितने भी टूल्स की रिक्वायरमेंट हो सारे यहाँ आपको मिल जाते हैं, जैसा आप एडिटिंग करना चाहते हो वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो। अब वीडियो एक्सपोर्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो वीडियो का। इसमें अभी के टाइम पे 1080 में ही आप मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो 1080 का आपको यहाँ रेजुलेशन मिलता है। फिर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आप इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन है
हमारा मोशन निंजा जो कि अगेन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। फिर इसे आप ओपन करना, देन आपको यहां पे भी तीन ऑप्शंस मिलेगा, एक पब्लिक का एंड उसके बाद होम एंड टेम्पलेट। तो टेम्पलेट की मदद से आपको पता है एक क्लिक में आप इस टाइप के जो वीडियो एडिटिंग होते हैं उन्हें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेम्पलेट को यूज कर लेना, फिर होम के ऊपर आप क्लिक करो, देन आपको यहाँ पे काफी सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ देख पा रहे हो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे स्लो मोशन करना है तो उसका भी टूल मिल जाता है, वेलोसिटी एडिटिंग, मोशन ब्लर, क्वालिटी इनहेंस। मतलब कि अगर आप अपने वीडियो की क्वालिटी इनहेंस करना चाहते हो इसके मदद से आप कर सकते हो। कलर ग्रेडिंग का भी टूल मिल जाता है, बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली भी आप इन्हें यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना, फिर यहाँ पे अपना जो वीडियो का रेशियो है उसे आप सेलेक्ट करना, एंड उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप अपना वीडियो को सेलेक्ट कर लेना, मतलब वीडियो को ऐड करोगे तभी तो उसमें एडिटिंग आप कर पाओगे। तो वीडियो ऐड करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो वीडियो आप एडिट करना चाहो तो उसे सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में भी स्विच हो सकते हो, एंड जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहो तो उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद ऐड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, ऐड के ऊपर क्लिक करोगे देन आपका जो वीडियो होगा वो आप देख सकते हो यहां पे ऐड हो चुका है, ठीक है। नाउ अब अगर आप यहाँ पे अपने वीडियो में इफेक्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो तो नीचे में आपको काफी सारे टूल्स मिलेंगे, जिनमें कि आपको एक इफेक्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आप क्लिक करोगे देन आपके सामने काफी सारे पॉपुलर इफेक्ट आ जाएंगे, जैसे कि पॉपुलर में काफी सारे आपको शेक इफेक्ट मिल जाएगा, फिर यहाँ पे ग्लो इफेक्ट वगैरह है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ग्लो को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो प्रीसेट के ऊपर जाना एंड स्ट्रेंथ को बढ़ा देना तो ग्लो इंक्रीज हो जाएगा, जैसे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से ग्लो हुआ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। ओके फिलहाल मैं इसे कट करता हूँ। और भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टूल्स मिलते हैं, ये देख सकते हो ग्लिच इफेक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके का बॉक्स वगैरह वाले, ये सब पॉपुलर में आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे और भी कैटेगरीज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि शेक, मैं पहले इसको हटाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट कर लेते हैं एंड आइए देन यहाँ शेक में आपको काफ़ी सारे शेक इफेक्ट मिलेंगे, देख पा रहे हो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो कितने कमाल कमाल के यहाँ पे। ओके तो इनमें से जो पसंद आएगा उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर बेसिक 3D भी आपको यहाँ मिलता है, मतलब कि ये जो 3D वाले इफेक्ट होते हैं ना, जी हाँ ये सब इफेक्ट भी आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर एडवांस 3D आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। मूव के ऊपर जाओगे तो ये सब जो ऑसिलेट वगैरह होते हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, मतलब काफ़ी सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट मिल जाएगा। साथ ही में आप यहाँ पे जब ये जो ब्लर मेटा है यहाँ पे आप आओगे एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो जो अभी के टाइम पे हेलो ब्लर इफेक्ट वगैरह ये सब काफ़ी ट्रेंड में है वो भी आपको मिल जाते हैं, एंड इन्हें आप यहाँ पे प्रीसेट को ऊपर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्लर को कम कर दे रहे हैं तो हम ब्लर को कम नहीं करना चाहते, इतना रख लेते हैं एंड इसे यहाँ पर हटाना है तो हटा दिया, फिर डन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके का जो ब्लर इफेक्ट है वो यहाँ अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो ट्रेंडिंग इफेक्ट्स वगैरह होते हैं वो आप अपने वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओके अब अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट या ऑडियो वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो सब आपको यहाँ पे टूल्स देखने को मिल जाता है, आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन अगर आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो तो आपको एडजस्ट एंड फिल्टर दोनों ही मिल जाता है, इनको ऊपर क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन मिल जाएगा जिनकी मदद से आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। साथ ही में इसमें आपको एक ग्लो का भी ऑप्शन मिलेगा, इससे आप यहाँ पे ग्लो भी ऐड कर सकते हो अपने वीडियो में, एंड यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगा, इससे आप HDR इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो, देख पा रहे हो काफी अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो, ठीक है। और पर्सनली अगर मैं बोलूं तो ये एप्लीकेशन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हो इसमें सारे एडवांस लेवल के टूल्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो। ओके तो आपको कैसा लगता है ये एप्लीकेशन मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कलर ग्रेडिंग का भी आपको हर एक टूल मिल जा रहा है, आप देख पा रहे हो ये सब, ठीक है, मिडटोन ये सब के लिए भी, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। ओके देन उसके बाद यहाँ पे इसे डन कर लेना। फिर यहाँ पे आपको कलर ग्रेडिंग के लिए HSL, कर्व, स्प्लिट टोन, सारे के सारे जो पीछे में एप्लीकेशन फीचर्स होते हैं वो सारे यहाँ आपको मिल जाते, तो इनसे आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। देन स्लो मोशन वगैरह अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना, फिर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, देन आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इससे आप एनिमेशन ऐड कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देख पा रहे हो काफी सारे एनिमेशन वगैरह हैं यहाँ पे। ओके
तो ये सब अगर आपको चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऊपर क्लिक करके आप जब कर्व के ऊपर जाके यहाँ से आप इसे मतलब ऊपर नीचे करके जैसा आपको स्लो मोशन बनाने का मन हो उस तरीके से बना सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्टिकल फ्लो मिलता है। मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आज तक मैंने जितने भी एप्लीकेशन यूज़ किया स्लो मोशन के लिए उनमें से सबसे बेस्ट एप्लीकेशन यही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसे मैं यहाँ पर पूरा नीचे कर दिया, ठीक है, बिल्कुल नीचे मैंने कर दिया एंड उसके बाद इसे डन करते फिर यहाँ पर ऑप्टिकल फ्लो को जरूर से इनेबल करना। इसे इनेबल करके जस्ट आप यहाँ डन करो, ठीक है, डन करो तो यहाँ पर एक ये प्रोसेसिंग होगा। अब ये प्रोसेसिंग ही इसलिए होता है ताकि आपका जो वीडियो है उसको ये स्मूथली स्लो मोशन कर सके। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद जस्ट आप यहाँ पे इसे बैक वगैरह कर सकते हो। और भी यहाँ पे टूल्स आपको मिलते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग का आपको यहाँ टूल मिलता है, क्रोमा की, कटआउट, ये सारे टूल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब जितना भी टूल्स चाहिए ना आपको वीडियो एडिट करने के लिए सब यहाँ मिलेंगे। अब यहाँ मैं बैक करके जस्ट आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, और ये इफेक्ट को भी पूरा रख लेते हैं इतना दूर तक। अब मैं इसे प्ले करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से नॉर्मल, एंड यहाँ पर स्लो मोशन के ऊपर आप नोटिस करो इतना ज़्यादा स्लो हो गया, बट फिर भी बिल्कुल स्मूथ है। आप यहाँ देख पा रहे हो स्लो कितना ज्यादा है बट फिर भी स्मूथ है, कहीं अटक नहीं रहा है। तो इसका स्लो मोशन सबसे बेस्ट मुझे लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ऐप में एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। इसे सेव करने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करना, यहाँ से आप 4K भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें मतलब आपको 4K तक का एक्सपोर्ट सेटिंग मिलता है, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना, सेव हो जाएगा आपके डिवाइस में। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड एप्लीकेशन। एंड हाँ, जितने भी एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उन सभी के ऊपर मैंने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो अगर आपको डिटेल में सीखना है इन एप्लीकेशन को यूज करना। नाउ थर्ड एप्लीकेशन है हमारा नॉड वीडियो एडिटर, जो कि अगेन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो वहां से इंस्टॉल करके इसे आप ओपन करना, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो को एडिट करने के लिए जस्ट आपको न्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना, देन यहाँ पे आपके सामने वीडियो का जो रेशियो वगैरह होता है उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे रेशियो 16:9 रखना चाहो तो उसे कर सकते हो, 9:16 जो भी रखना चाहो रख लेना, ठीक है। फिर प्रीव्यू रेजुलेशन के ऊपर क्लिक करके इसे 100 कर देना, की जैसा रहे वैसा ही दिखे, ठीक है, वरना यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा लो होके दिखेगा, तो ये आप कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे वीडियो वगैरह ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्लस का बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, इसके ऊपर आप क्लिक करना, फिर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको 3D में कुछ एडिटिंग वगैरह करना है तो ये 3D का ऑप्शन मिलेगा, इसकी मदद से आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। लेयरिंग के साथ अगर आपको कोई एडिटिंग करना है इसकी मदद से कर सकते हो। 3D टेक्स्ट अगर आपको चाहिए तो इसकी मदद से आप कर सकते हो। ग्रुपिंग अगर आपको करना है तो ये सब कर सकते हो। ये सारे के सारे टूल्स आप जानते होंगे, PC लेवल की एडिटिंग है, मतलब कि PC में आपको ये सारे टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवांस टूल है, या फिर आप बोल सकते हो ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ओके, नाउ वीडियो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना, फिर वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो ऐड कर सकते हो यहाँ से, इमेज ऐड करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, म्यूजिक वगैरह भी यहीं से आप कर सकते हो। ओके, तो वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर देना, आपका गैलरी में जितना भी वीडियो होगा वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। अब जिसे आप यहाँ पर एडिट करना चाहोगे उसे आप जस्ट सेलेक्ट कर लेना, मैं ये वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे ऐड के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपका जो वीडियो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसे आप यहाँ पे प्ले वगैरह करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हो। नाउ अब अगर आप अपने वीडियो में कोई म्यूजिक, टेक्स्ट ये सब ऐड करना चाहते हो तो सेम स्टेप से आपको करना होगा, यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना, आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। मीडिया के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको जस्ट ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, इसके मदद से ऑडियो ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये सब आप कर लेना। फिर अगर कोई इफेक्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो तो प्लस के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, आपको ACS स्टोर में काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो आपको ग्लो इफेक्ट मिल जाएगा, जो कि अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, देख पा रहे हो। ये ग्लो का कलर वगैरह भी आप यहां से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये रख लेते एंड स्कैटरिंग थोड़ा कम करते तो कुछ ऐसा ग्लो इफेक्ट ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लो कर सकते हो। फिर यहां पे प्लस के ऊपर क्लिक करो, ACS स्टोर में जाओगे तो और भी काफी सारे आपको यहां इफेक्ट मिलेंगे, लाइक आपको नेचर में यहां पे जस्ट रेन वाला मिल जाएगा, रेन ड्रॉप इस तरीके का, ठीक है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने वीडियो में रेन ड्रॉप इफेक्ट ऐड कर सकते हो। इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ओके, ये सब चीज़ें आपको जस्ट ACS स्टोर में मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपको मिलते हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हो इस टाइप के ग्लिच इफेक्ट वगैरह बहुत सारे हैं यहाँ पे, जो आपको रिक्वायर्ड होगा उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे बैक कर लेना। तो इस तरीके से मतलब इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो तो कलर ग्रेडिंग का आपको यहाँ बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे।
जस्ट आपको यहाँ पे ये जो सीसी है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे देन आप यहाँ देख सकते हो कलर ग्रेडिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बेसिक करेक्शन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आरजीबी कर्व आपको मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करोगे तो ये जो आरजीबी कर्व होता है वो आपको यहाँ मिल जाता है, जैसे कि ये सब जो है कर्व है, ठीक है। इन्हें अगर आप एडिट करना चाहो तो आप यहाँ पे इन्हें एडिट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड टोन चाहता हूँ तो रेड को थोड़ा आप करते हैं, रेड टोन आ जाएगा। ग्रीन टोन को भी थोड़ा इन्हेंस कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। मतलब जैसा आपको जरूरत होगा उस तरीके से आप एडिटिंग यहाँ कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ कलर ग्रेडिंग के ऊपर क्लिक करो तो आपको बिल्कुल जो पीसी में आपको टूल्स मिलते हैं वो सारे टूल्स यहाँ मिल जाएंगे, देख पा रहे हो ये सब, ठीक है। ये सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे आप और जाओगे तो और भी आपको यहाँ पे टूल्स मिलेंगे, जैसे कि ये सब देख सकते हो, व्हाइट व्हील, व्हाइट बैलेंस, ये सब, ठीक है। तो इनकी मदद से भी आप यहाँ पे जस्ट जैसा कलर ग्रेडिंग चाहो वैसा आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगेन आपको सीसी में और भी बहुत सारे आप यहाँ देख पा रहे हो, तो इन सब की मदद से आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, ओके। और ये एसएस स्टोर की मदद से आप इफेक्ट ऐड कर सकते हो। देन अगर आपको 2D एनिमेशन वगैरह बनाना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप एनिमेशन वगैरह बना सकते हो। लाइक अगर आपको यहाँ फ्लो चाहिए तो फ्लो के ऊपर क्लिक करना, जिधर आप फ्लो करना चाहते हो, ठीक है। ऐसे तो आप यहाँ पे जस्ट कर दो एंड उसके बाद आप वीडियो प्ले करके देखो, देख पाओगे वहाँ वो फ्लो कर रहा है, देख पा रहे हो, ठीक है। मतलब कि मोशन ग्राफिक्स जो होते हैं ना वो सभी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स यहाँ मिल जाते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको इनको डिटेल में सीखना है तो कंप्लीट ट्यूटोरियल आप हमारे देख सकते हो, ओके। तो ये सारे टूल्स आपको मिलते हैं, इस तरीके से इन्हें आप यूज़ कर सकते हो। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ पे आप क्वालिटी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड एप्लीकेशन। नाउ फोर्थ एप्लीकेशन है हमारा फिल्मोरा, जो कि अगेन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो वहां से इंस्टॉल करके इसे आप ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पे आपको काफ़ी सारे एडवांस टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट टू वीडियो, मतलब सिर्फ आप टेक्स्ट लिखो एंड ये वीडियो जनरेट करके दे देगा AI का यूज़ करके। फिर आपको यहाँ पर एक AI रिमूवर का ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप वाटर मार्क वगैरह हटा सकते हो। देन आपको यहाँ पर AI ऑटो कट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि आपके वीडियो में जो भी मिस्टेक्स वगैरह हुए रहेंगे उसे ये कट कर देगा, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे AI से एडिटिंग करना चाहते हो देन ये एप्लीकेशन आपके लिए काफी बेस्ट होने वाला है, ओके। और साथ ही में यहाँ पे ऊपर में आपको कुछ ऑप्शंस भी दिखाते रहता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का भी आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है। उसके बाद पिक्चर इन पिक्चर, मतलब कि एक वीडियो के ऊपर वीडियो या फिर पिक्चर वगैरह रख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो कैप्शन, आप ये देख सकते हो ये ऑटो कैप्शन वाले भी ऑप्शन है, इसकी मदद से ऑटोमेटिकली आप कैप्शन भी ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो में। फिर VFX वगैरह के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब इसमें एडिटिंग करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर जाके जस्ट आपको अपना वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, जिसे आप एडिट करना चाहते हो। लाइक मैं इसे सेलेक्ट करके इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो वीडियो यहाँ ऐड हो गया। अब वीडियो के ऊपर आप क्लिक करो तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो स्पीड का ऑप्शन मिल गया, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जस्ट आइनो के ऊपर क्लिक करना। देन आपको नॉर्मल मिलेगा, इसे आप नॉर्मल स्लो मोशन वगैरह कर सकते हो। कर्व से आप यहाँ पे कर्व वाले कर सकते हो, लाइक कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे जहाँ आप स्लो करना चाहो वहाँ पे जस्ट इन्हें अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे पॉइंट नहीं है वहाँ पे जाके ऐड बीट के ऊपर क्लिक करके पॉइंट ऐड कर सकते हो। देन जैसा स्लो मोशन वगैरह आप बनाना चाहो उस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल इसे रीसेट कर रहा हूँ तो स्लो मोशन के लिए भी आपको यहाँ टूल्स मिल जाता है, ओके। और उसके बाद आप यहाँ स्क्रॉल करो तो और भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि कैप्शन मैंने बोला था वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट कटआउट का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नॉइज रिमूवर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सब की मदद से आप यहाँ पर अपने वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से एडिट वगैरह कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ऑडियो, टेक्स्ट, स्टीकर वगैरह, ये सब की मदद से आपको पता है जस्ट ऑडियो वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, स्टिकर से स्टिकर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इमोजी वाले सेक्शन में आओगे तो काफ़ी कमाल कमाल के आपको यहाँ पे इमोजीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा ही लोड हुआ है वो सारे काफ़ी अच्छे अच्छे वाले, देख पा रहे हो। तो ये सब आप इमोजी ऐड कर सकते हो अपने वीडियो में, अपने वीडियो को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए, ओके। तो यहाँ काफ़ी सारे स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ बैक करोगे तो आपको यहाँ पे एक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ जाओगे तो आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हो इस टाइप के इफेक्ट हैं,
फिर यहाँ पे आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा देखने को, बॉडी इफेक्ट। फिर और यहाँ स्क्रॉल करो तो बेसिक में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ये सब इफेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग में आपको यहाँ पे सिनेमेटिक ओपनिंग्स जो होता है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। लेंस में आप जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको लेंस का जो इफेक्ट होते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। शेक में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे शेक इफेक्ट मिल जाएगा। ऑडियो में आपको यहाँ पे ऑडियो वाले काफ़ी सारे मिलेंगे, देख सकते हो, मतलब काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ग्लिच इफेक्ट वगैरह भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बॉडी इफेक्ट में बॉडी इफेक्ट भी मिल जाएंगे। तो इनमें से जो आपको मतलब पसंद आता है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, देन आप यहाँ रख सकते हो। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा। अब अगर आपको यहाँ कलर ग्रेडिंग वगैरह करना है तो कलर ग्रेडिंग के लिए आपको एडजस्ट एंड फिल्टर मिलता है, इनको ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से फिल्टर के ऊपर क्लिक करके कोई अच्छा सा एक फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फिल्टर मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे वीडियो के ऊपर ये वाला सही लग रहा है तो मैं इसे रख सकता हूँ। उसके बाद एडजस्ट के ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ पे एक एक टूल को मतलब एक एक चीज़ों को आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे एक्सपोजर HSL भी मिल जाता है, HSL से एक एक कलर को एडिट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको सेचुरेशन वगैरह मिलता है, और भी यहाँ पर यहाँ स्क्रॉल करो तो और भी टूल्स मिलेंगे, जैसे कि वाइट लेवल, वाइट का लेवल कितना रखना चाहते हो, ब्लैक, ये सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनकी मदद से आप यहाँ एडिटिंग कर सकते हो। तो मतलब एडिटिंग करने के लिए जितना टूल्स है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे ये सारे एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन को यूज़ करोगे, और आप कौन सा एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले हो, या फिर आपको कौन सा एप्लीकेशन पसंद आया वो कमेंट करके मुझे ज़रूर से आप बताना, ठीक है। मैंने सारा एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखा दिया कि कैसे वर्क वगैरह करता है। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना, एंड हाँ, इसमें भी आपको 4K का एक्सपोर्ट सेटिंग मिलता है, तो इसमें आप 4K में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये सारा एप्लीकेशन का मतलब कि एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या क्या टूल्स इसमें मिलते हैं। अब अगर आप इन्हें डिटेल में देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप YouTube पे सर्च करना कंप्लीट वीडियो एडिटिंग ऑफ मोशन निंजा बाय का प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, या फिर कोई भी एप्लीकेशन का तो सेम तरीके से सर्च करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करने जा रहे हो।